Hey guys, this is Imran and welcome back to my channel. So guys, recently मैंने एक वीडियो बनाया था, एक Hammer KO Truly Wireless Earphone का मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने उस वाले ईयरफोन को रिव्यू किया था एंड आई थिंक इट वॉज टू अर्ली बिकॉज मैंने बहुत जल्दी उसको यूज़ करके उसका रिव्यू कर दिया था। बट उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि गाइज इसमें बहुत सारी कमियाँ हैं एंड बहुत सारी निगेटिव चीज़ें हैं जो कि मुझे इसको यूज़ करने में पता लगी। सो गाइज, इस वाले वीडियो में बेसिकली मैं इसी ईयरफोन का एक फुल रिव्यू देने वाला हूँ एंड शायद मैं जो पहले वाला वीडियो था शायद उसको प्राइवेट भी कर दूँ या फिर उसको डिलीट भी कर दूँ बिकॉज वो मेरे हिसाब से एक सही रिव्यू नहीं था उस वाले प्रोडक्ट के लिए। तो गाइज, अगर आपको इंटरेस्ट है इस वाले Hammer KO Truly Wireless Earphone के रिव्यू में तो इस वाले वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए बिकॉज इस वाले में मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि मुझे ये वाला जो ईयरफोन है ये कैसा लगा एंड क्या ये आपके लिए वर्थ इट होगा या फिर नहीं। बट बिफोर दैट गाइज, अगर आपको कोई भी ऑडियो प्रोडक्ट लेना है जैसे कि हेडफोन, ईयरफोन या फिर स्पीकर हो गया तो आप चेकआउट करिए गाइज बोल्ट को एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं टेक विथ मी 20 तो आपको 20% का एडिशनल किसी भी प्रोडक्ट पे आपको 20% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप मेरे रेफरल लिंक से जाते हैं एंड मेरा कूपन कोड यूज करते हैं टेक विथ मी 20 तो 20% का आपको डिस्काउंट किसी भी बोल्ट के ऑडियो प्रोडक्ट पे देखने को मिल जाएगा। तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, सो जाइए फटाफट से जो भी प्रोडक्ट आपको परचेस करना है परचेस कर लीजिए। सो नाउ अब बात करते हैं Hammer KO Truly Wireless Earphone की। अब वैसे गाइस, इस वाले वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक में मैं आपको प्रोस बताऊंगा एंड एक में आपको मैं कॉन्स बताऊंगा। अब वैसे तो ये इसकी प्रोस की लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है एंड जो कॉन्स है वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लंबी उसकी लिस्ट है। तो इस वाले वीडियो को आप बैठिए, रिलैक्स करिए एंड इस वाले वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रोस। अब अगर मैं गाइस प्रोस की बात करूँ तो मेरे हिसाब से जो इसकी बिल्ड क्वालिटी स्पेशली इस प्राइस पॉइंट पे काफी ज्यादा सही एंड डिसेंट सी है एंड अगर मैं नेक्स्ट प्रोस की बात करूँ तो वो है इसकी बैटरी लाइफ। अब वैसे तो इसमें आपको सिंगल चार्ज में 3.5 आवर का फुल बैकअप देखने को मिल जाता है, ठीक ठाक है एंड जो बैटरी बैकअप केस के साथ मिलता है वो आपको ऑलमोस्ट 20 आवर तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। सो मेरे हिसाब से ये भी एक प्रोज की कैटेगरी में आता है एंड जो इसका नेक्स्ट प्रो फीचर है प्रोज है वो है इसकी कनेक्टिविटी, बिकॉज जहाँ पे आपको कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा सीमलेस देखने को मिल जाती है एंड इसमें कोई इशू वगैरह नहीं होता। सो मेरे हिसाब से ये है इसके 3 प्रोज जो कि आपको देखना है। बट नाउ अब बात करते हैं कॉन्स क्या, बिकॉज मैंने इसमें बहुत सारी कमियाँ देखी एंड मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले कॉन्स की बात करूँ तो वो है गाइस इस वाले TWS की डिज़ाइन, बिकॉज ये जो TWS है ये काफ़ी ज़्यादा बल्की है एंड ओवरऑल अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा बल्क लगता है अपने कानों में, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ लगी इस वाले ईयरफोन के डिज़ाइन के बारे में, बिकॉज मुझे उतना ज़्यादा खास पसंद नहीं है इसको यूज़ करते हुए बिकॉज जो इसकी डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इरीटेटिंग सी मुझे लगी। एंड जो सेकेंड कॉन है गाइस वो है इस ईयरफोन का केस। अब वैसे जो इस ईयरफोन का केस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एंड बल्की है जिससे कि नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यूज करने में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। वैसे तो इस प्राइस पॉइंट पे बहुत सारे TWS ईयरफोन आते हैं जिसके जो केस होते हैं वो काफी ज्यादा स्लिम एंड स्मॉल साइज के होते हैं जिससे आप इजीली कैरी कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये केस जो है ये काफी ज्यादा बड़ा एंड बल्की है जिसकी वजह से आपको कैरी करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। एंड जो नेक्स्ट कॉन है गाइस वो है इसका कंफर्ट। अब वैसे मैंने इसको इंटेंसिवली यूज किया हुआ है बट मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काफी ज्यादा वर्स्ट था बिकॉज मैंने इस टाइप के ईयरफोन फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, बट जो इसका एक्सपीरियंस था मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बुरा था बिकॉज गाइस मैं आधा घंटा भी इसको यूज़ करता था तो मेरे कानों में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता था। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको इंटेंसिवली यूज़ करते हैं 2-3 घंटे तक तो मे बी आपको शायद क्या आपको पक्का पेन होगा ही होगा आपके कानों में, बिकॉज जो इसकी डिज़ाइन है उतनी अच्छी कंफर्टेबल नहीं है कि आपको कंफर्ट उतना अच्छा दे पाए। भले ये ईयर हुक डिज़ाइन के साथ आता है जो कि आपका जो फिट है वो सिक्योर रहता है, बट जो पेन है जो आपके कानों में पेन होता है वो भी एक बहुत ही बड़ा मैटर होता है बिकॉज आपको अगर ज़्यादा पेन होगा तो आप उसको यूज़ करना उतना अच्छा पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये एक मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मेजर कॉन्स है एंड इतना महंगा ये वाला ईयरफोन होने के बावजूद भी आपको इसमें टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलता एंड मेरे हिसाब से गाइस टाइप सी पोर्ट तो मैंडेटरी हो जाना चाहिए स्पेशली इस प्राइस पॉइंट के अंदर, बिकॉज गाइस अगर मैं दूसरे ब्रांड्स की बात करूँ तो वो इससे कम प्राइस में 2-2.5 हज़ार के भी प्राइस में आपको टाइप सी पोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पे आप हायर पे कर रहे हैं बट आपको वो अच्छे फीचर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। एंड नाउ बात करते हैं सबसे बड़े मेजर कॉन की जो कि मुझे लगा वो है इसकी साउंड क्वालिटी। एंड मेरे हिसाब से गाइस अगर आप कोई भी ऑडियो प्रोडक्ट लेते हैं एंड उसकी साउंड क्वालिटी ही अगर अच्छी ना हो तो क्या मतलब बनता है उस वाले प्रोडक्ट को लेने का, बिकॉज वो प्रोडक्ट आप ऑडियो के लिए ही ले रहे हैं एंड उसका ऑडियो आउटपुट ही उतना अच्छा नहीं है। अब इस वाले ईयरफोन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया अगर मैं स्पेशली साउंड क्वालिटी की बात करूँ, बिकॉज जितना आप पे कर रहे हैं मेरे हिसाब से उतना आपको ये ईयरफोन ऑफर नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पे गाइस मैं कहना चाहता हूँ कि इससे कहीं कम कीमत में भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी वाले ईयरफोन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप 2,000 रुपये भी डालते तो इससे बेटर मैं आपको गारंटीड कहता हूँ कि इससे बेटर आपको साउंड क्वालिटी मिलता है उन 2,000 रुपये के TWS ईयरफोन्स में,
बट अगर मैं इस वाले ईयरफोन की स्पेसिफिकली साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी जो साउंड क्वालिटी, जो लाउडनेस सबसे पहले वो काफ़ी ज़्यादा लो है, यानी कि अगर आप इसको सुनते हैं तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा वॉल्यूम और अप होना चाहिए, बिकॉज जो इसका लाउडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। आई मीन लाउडनेस तो इसमें है ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा इसका जो साउंड है वो लो है, एंड यहाँ पे आप वॉल्यूम लेवल को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। सो यहाँ पे लाउडनेस के मामले में काफ़ी ज़्यादा ये लो साउंड करता है। एंड अगर मैं ओवरऑल चलिए इसके बारे में बात ना करूँ, अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो जो साउंड क्वालिटी है मेरे हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है, जो बेस इसमें काफ़ी ज़्यादा कम है, आई मीन आपको उतना अच्छा बेस, थंपिंग बेस आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। एंड ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी, जो वोकल्स वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस ओवरऑल एक नॉर्मल सा एंड मतलब एक बेसिक सा साउंड क्वालिटी आपको इसमें आपको आउटपुट देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से गाइज यहाँ पे साउंड क्वालिटी के मामले में ये ईयरफोन जो है मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक स्टैंडर्ड टाइप का ईयरफोन साउंड करता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, या फिर आपको जिस प्राइस पॉइंट में मिल रहा है मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता जो इसकी साउंड क्वालिटी है। तो मैं तो साउंड क्वालिटी से गाइज काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। एंड नाउ अगर मैं लास्ट कॉन की बात करूँ तो वो है गाइज मेरे हिसाब से इसकी प्राइसिंग। अब ये जो ईयरफोन है गाइज ये आपको 3600 रुपीज़ का मिलता है, एंड मेरे हिसाब से यही इसका सबसे बड़ा कॉन भी है, बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट मिलता है उसके हिसाब से आपको उतनी अच्छी वैल्यू ये ऑफर नहीं कर रहा है, ना इसकी साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी है, ना इसमें आपको उतना अच्छा कंफर्ट मिलता है, एंड ना इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, एंड ना ही आपको इसमें उतनी अच्छी पोर्टेबिलिटी मिलती है। आई मीन मेरे हिसाब से जिस प्राइस पॉइंट पे आता है इसकी जो प्राइस है वो कम से कम बस 2000 से 2500 रुपए के हिसाब से होती तो सही होता, बट 3600 रुपीज आप पे कर रहे हैं एंड आपको उतनी अच्छी साउंड क्वालिटी या फिर उतना अच्छा आपको एक्सपीरियंस भी नहीं मिल रहा है। सो मेरे हिसाब से ये वर्थ इट नहीं होगा, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट पे। तो आई थिंक ये जो ईयरफोन ये थोड़ा सा ओवर प्राइज है, आई मीन थोड़ा नहीं बहुत ओवर प्राइज है, एंड अगर ये प्राइस कम होता तो मे बी ये थोड़ा बेटर हो सकता था, बट जिस प्राइस पॉइंट में आपको मिल रहा है मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। अगर आप इसमें अपना पैसा स्पेंड करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो पैसा है वो एक सही जगह पे मेरे हिसाब से इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। तो अगर आपको कोई ईयरफोन या फिर लेना है तो मैं रिकमेंड करूंगा गाइज अगर आप इस प्राइस पॉइंट पर कोई TWS लेने जा रहे हैं तो आप प्ले का एक प्ले गोटी 44 ले सकते हैं, या फिर नॉइस के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे TWS ईयरफोन्स आते हैं, एंड बोट के भी 2500 रुपये 2000 के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे ईयरफोन्स आते हैं जो कि TWS ईयरफोन्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइज मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी इस वाले ईयरफोन को रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट अगर आपको फिर भी लेना है तो आप ले सकते हैं, मैं आपको रोकने वाला नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से गाइज ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होगा आपके पैसे के लिए। सो ये था गाइज मेरा रिव्यू हैमर क्यों का, एंड यहाँ पे मैंने आपको ओपनली बता दिया है कि आपको ये वाला ईयरफोन लेना चाहिए या फिर नहीं, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड वैसे जो मैंने अल्टरनेटिव्स भी बताया उसकी मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अगर आपको कोई भी ऑडियो प्रोडक्ट लेना है तो आप एक बार बोल्ट के वेबसाइट को चेकआउट करिए, एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं TechWithMe20 तो आपको किसी भी प्रोडक्ट में आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि अगर आप 3000 का भी कोई प्रोडक्ट होगा तो वहाँ पे आपको 600 रुपये का आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो एक बार आप चेकआउट करिए, अगर आपको पसंद आए, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए फ्यूचर में तो आप ले सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पीस।